फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेशन की जॉब्स बेतहाशा मौजूद हैं, यानी कि कंपनी आपको कहती है कि आप हमारा डिजिटल सेल्स पर्सन बन जाए और आपको ऑनलाइन जाके उस कंपनी के लिए लीड जनरेट करनी होती है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लीड जनरेशन से दरहकीकत मुराद क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसकी टेक्निक्स क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लीड जनरेशन दरहकीकत है क्या। लेकिन उससे पहले, व्हाट एक्चुअली इज ए लीड? लीड बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट का नाम है। लीड का मतलब है कोई भी शख्स जो आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहता है या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंटरेस्टेड है, उसको हम लीड कहते हैं। और व्हाट क्वालिफाइज फॉर एक्चुअली ए लीड? अब लीड के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। डिजिटल एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल जो हम सेलिंग करते हैं उसमें तो आपको पता होता है कि ये बंदा शायद हमसे खरीदेगा या नहीं। डिजिटल के अंदर एक तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूं, इसके थ्रू पता लगेगा कि वो लीड क्वालिफाई भी होती है लीड के लिए या वो एक जेनेरिक कमेंट था या क्वेश्चन था कस्टमर का। लीड क्वालिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है कि जब कस्टमर या जब यूजर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दे या फॉर्म फिल करके दे दे, वो क्वालिफाई कर जाता है एक प्रॉपर लीड के लिए। उसके बाद आप वो इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे सकते हैं, जिसके बाद कंपनी अपने टेलीमार्केटियर को या कॉल सेंटर के अंदर बैठे हुए लोगों को कह सकते हैं कि इस कस्टमर को कॉल करें और प्रोडक्ट सर्विस बेचें अगर वो कोई फिजिकल चीज़ है। तो लीड जनरेशन का प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले विजिटर्स से। विजिटर ये वो लोग होते हैं कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर रेगुलरली आ रहे होते हैं। अब विजिटर सबसे पहले देखता है एडवर्टाइजमेंट, वो फेसबुक पे भी दे सकता है, वो गूगल पे भी दे सकता है, वो डिस्प्ले ऐड भी हो सकती है, वो आपकी सोशल मीडिया ऐड भी हो सकती है। जब वो उस ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो आगे उसको नजर आता है CTA, यानी कॉल टू एक्शन बटन। अब ये कॉल टू एक्शन बटन कौन से होते हैं? ये कॉल टू एक्शन बटन वो होते हैं जिसके ऊपर अक्सर आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा सब्सक्राइब हेयर या क्लिक हेयर टू फिल ए फॉर्म। ये होते हैं कॉल टू एक्शन बटन। जब कस्टमर ने या यूजर ने उस कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया तो वो बटन ले जाता है उनको कंपनी की लैंडिंग पेज के ऊपर, यानी कि कंपनी की अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहां एक फॉर्म मौजूद होता है और उस फॉर्म को यूजर फिल करता है जिसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन देता है और उसमें ईमेल एड्रेसेस भी हो सकते हैं, नेम भी हो सकता है और उसकी लोकेशन भी हो सकती है। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन वर्क्स। अब इस पूरे का पूरे प्रोसेस को डिफाइन करना और एक ईजी प्रोसेस बनाना आपका काम है। जो विजिटर से शुरू होता है, सबसे पहले तो आपने विजिटर ढूंढ के लाने और विजिटर आपके पास आएंगे अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी मज़ेदार किस्म की है। उस ऐड को देखेंगे, कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे और फिर उससे अगला प्रोसेस शुरू होता है। तो दोस्तों, लीड जनरेशन टेक्निक्स जो हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं और नज़र डालते हैं कि हमारे पास कुछ टेक्निक एक अच्छा डिजिटल सेल्स पर्सन बनने के लिए क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है वो है ब्लॉगिंग की। जी हाँ, आप ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके विजिटर का नंबर बढ़ा सकते हैं। आप अच्छा कंटेंट शेयर करें अपने ब्लॉग के ऊपर जिसके अंदर लोग इंटरेस्टेड हों, यूज़र इंटरेस्टेड हो, और फिर वहाँ आप कॉल टू एक्शन बटन छोड़ें और कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर जब यूज़र क्लिक करे तो वो जो यूज़र है वो फिर आपकी कंपनी की वेबसाइट पे आए और आके अपनी बारे में इंफॉर्मेशन दे जो फिर आप आगे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विस को सेल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने जब डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं और अगर आपके पास लीड जनरेशन की जॉब आती है तो आपने कंपनी से कहना है कि भाई आपके पास क्या कोई ईमेल्स की लिस्ट मौजूद है अपने कस्टमर्स की या पोटेंशियल यूजर्स की? आप उस ईमेल की लिस्ट को लीजिए, अच्छी सी ईमेल बनाइए, अच्छा सा कंटेंट बनाइए और उसके ऊपर ईमेल कीजिए उन सब के सब यूजर्स को। उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्सेज आना जरूर होंगे जिसके थ्रू आप लीड जनरेशन करेंगे और फ्रीलांसिंग की इस जॉब को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इससे अगर हम चलें तो आगे हम देखते हैं कि गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल लीड जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू एड्स बनाते हैं सर्च इंजन के लिए और जब भी कोई कीवर्ड लिखता है तो वो एड्स अपीयर होती हैं आपके गूगल के अंदर। तो अगर आपकी एड्स अच्छी हैं तो यूज़र उस एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और एड्स पे क्लिक करके आपकी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, जिस तरीके से एक लीड जनरेट हो सकती है। इससे अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आता है एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कम यूज़ होता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इससे सिंपल मुराद ये है कि आप एक और कंपनी के साथ या एक और वेबसाइट के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट और सर्विस उस कंपनी की वेबसाइट पर बेचते हैं। ये क्यों करते हैं आप? क्योंकि उस कंपनी की वेबसाइट की रीच या उस कंपनी की वेबसाइट का जो कनेक्शन लोगों के साथ है वो आपकी वेबसाइट से ज़्यादा है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कॉम्पिटिशन्स। आप कॉम्पिटिशन्स क्रिएट करें सोशल मीडिया पेज के ऊपर। आप कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोग लेकर आएगा फॉर्म्स फिल कराने के लिए, हम उसको ये रिवॉर्ड करेंगे। यूज़र्स हमेशा कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और इस इंटरेस्ट का फ़ायदा आप एज ए लीड जनरेटर या एज ए सेल्समैन उठा सकते हैं। इससे आगे दोस्तों अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से मुराद ये है कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं
कि जो यूज़र्स देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, आप उन लोगों को अप्रोच कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको ब्रांड के बारे में बताएं और उनसे कहें कि वो ब्रांड का मैसेज अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाएं। जब वो ब्रांड का मैसेज अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिकली लीड जनरेट होंगी, जिसका फ़ायदा आपको एज ए डिजिटल मार्केटर होगा। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वो अगर आप यूट्यूब पर अक्सर सर्च करें तो आपको नज़र आएगा कि यूट्यूब के चैनल के ऊपर या YouTube पे कई लोगों ने ऐसे चैनल्स बनाए होते हैं जिसके ऊपर वो डिफरेंट कंपनियों के मोबाइल फ़ोन को रिव्यू कर रहे होते हैं और बहुत सारे यूज़र्स उसको देख भी रहे होते हैं, मिलियंस के अंदर व्यूज़ होते हैं। तो अगर आपकी कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है तो आप उस इन्फ्लुएंसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी के मोबाइल का भी रिव्यू करें, ताकि वो रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लीड जनरेट हो सके। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर एक अच्छा सेल्समैन बनने की डिजिटल इन्वायरमेंट में टेक्निक्स क्या हैं उसके ऊपर भी हमने नज़र डाली और प्रोसेस पर भी नज़र डाली। अब इनको आपने जहन में रखना है और आगे चल के जब हम टूल्स सीखेंगे तो इन टेक्निक्स को आपने अप्लाई करना है।